हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एंड एज यू नो कि हम इग्नू का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मटेरियल है वो कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो यूनिट पढ़ ली हैं, बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स जो हम पढ़ते हैं, खास करके मेनली रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तो वो पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। और ये यूनिट है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि ये फाइल जो है हमें कहाँ से मिली और आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये इग्नू का मटेरियल है, जो भी कॉपीराइट है, जो कुछ भी उनके राइट्स है वो सब इग्नू के हैं। हम सिर्फ इसको स्टडी पर्पज के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो ये अगर आप इग्नू की ई ज्ञान कोश वेबसाइट पे जाओगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स वाला ध्यान रखना, ऑनर्स का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये नीचे ढेर सारी सब कम्युनिटीज बनी हुई हैं, जिसमें से मैंने जो है वो BPAC 101 पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लॉक वन है, कंसेप्चुअल एंड क्लासिकल पर्सपेक्टिव। इसमें मैं अभी तक दो यूनिट यानी कि कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस और साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को डिस्कस करवा चुकी हूँ। अभी हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में, ठीक है, और फिर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रहेगा मेन डिस्कशन का पॉइंट। तो जो लोग आज पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, उनको मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए। और हम स्पेशली लेके आए हैं आपके लिए इग्नू की सीरीज। इससे पहले भी हमने काफी टाइम पहले एक सीरीज निकाली थी इग्नू की, जो काफी ज्यादा लोगों के काम आई, लोगों ने पसंद करा सीरीज को। उसी पैटर्न पे हम ये सेकंड इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं BPAC 101, ये कोड है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको कुछ भी इस पूरे मटेरियल के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप जाइए इग्नू की वेबसाइट से और डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए ये मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। बट जिनको लगता है कि हाँ मुझे इसी साल एग्जाम देना है, टाइम बहुत कम है, तो वो अपना नोट्स की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। किसी दिन डिस्कस करेंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक पर डिस्कस करें, नोट्स मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेसिफिक, और मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक स्पेशल सेशन जो है इस वीकेंड को, फिर हम उसके ऊपर रखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। जब आप इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो ना इवोल्यूशन में, तो इवोल्यूशन में आपको सबसे पहले जो है वो क्लासिकल थ्योरी पढ़ाई जाती है। क्लासिकल थ्योरी में आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आ जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच भी आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये चीजें आती है, और इसी में आता है आपका वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। चलिए उसके बारे में समझते हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे रहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें किन किन के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ भी है, हेनरी फायोल, लिंडल उर्विक, ल्यूथर गुलिक, मुनियन राइले एंड एम्पी फॉलेट। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे कि वन बाय वन हम कवर कर पाए, ताकि ज्यादा अच्छे से हम इन चीजों को समझें, और अगर ईजी रहेगा तो हम फिर सारे इनको डिटेल में कवर करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड हम कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले यहाँ पे, किन किन टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो टॉपिक है, जो थ्योरी है, उसके पर्सपेक्टिव और उसके बैकग्राउंड को जानेंगे, के मेन फीचर्स और अजम्पशंस को देखेंगे। देन जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दिए गए थे हेनरी फायोल, ल्यूथर गुलिक, लिंडल उर्विक, मुनियन राइले के द्वारा, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जाते जाते हम मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में भी पढ़ेंगे। देन आज के टाइम पे इसकी रेलेवेंस क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे रेलेवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। तो लास्ट लेक्चर्स अगर अभी तक नहीं देखे आपने, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको पहले वो लेक्चर्स देखने चाहिए, चीजें और क्रिस्टल क्लियर होंगी। आपको पता है कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है, वुड्रो विल्सन को, बिकॉज 1887 में उन्होंने जो एसे लिखा था, उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पर एस्टेब्लिश करने में हमें मदद मिली। और उन्होंने वो ऐसे क्यों लिखा था, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म है, गवर्नमेंट रिफॉर्म, वो चाहते थे रिफॉर्म करना, और रिफॉर्म प्रोसेस के तहत उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्ट करा। उसके बाद में बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स जो हैं, उन्होंने अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट इन द सेंस बहुत सारे बुक्स आई हैं, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी इस फील्ड में, सो दैट दे कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइज। और जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। जो भी सर्विस गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को दे रही है वो और भी बेहतर हो सके, इसके ऊपर उन्होंने कोशिश करी है। तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने अलग अलग अप्रोचेज अपनाई टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
को हम बांट सकते हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। तो ये ना साइड में अपना पता होना चाहिए, क्लासिकल क्या है उसका मीनिंग लिख लिया, न्यू क्लासिकल क्या है उसका मीनिंग लिख लिया, मॉडर्न किसको कहते हैं उसका मीनिंग लिख लिया, और पोस्ट मॉडर्न किसको कहते हैं ठीक है उसका मीनिंग लिख लिया। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज है ना, यहाँ पर हम ध्यान देते नहीं है, और फिर आगे जाकर के जब हमें थ्योरी पढ़नी होती है फिर हमें समझ में आता नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ पीपल कंप्लेन कि हमें थिंकर याद नहीं होते। थिंकर्स अपने आप ही याद नहीं होते, क्योंकि थिंकर्स ने किस बारे में बोला आपको, वो टर्म्स ही आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपको ये नहीं पता होता न्यू क्लासिकल क्या है। और आप इन द सेंस कोई भी अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, मोस्ट ऑफ पीपल छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, और वो छोटी छोटी चीजें हैं डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है, इनको ये क्लासिकल अप्रोच का ही पार्ट है, इसको मैकेनिकल अप्रोच भी बोलते हैं, या फिर इसको प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच भी बोलते हैं। तो याद रखना ये क्लासिकल अप्रोच का ही पार्ट है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, मैकेनिकल अप्रोच या प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच बोलते हैं। मैकेनिकल अप्रोच इसलिए बिकॉज इसने कंप्लीटली स्ट्रक्चर पे फोकस किया था, प्रिंसिपल्स इसलिए बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है कैसे काम करता है वो कुछ मेथड्स कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है, और उन्हीं को डेवलप करना जो है वो इन स्कॉलर्स का काम था। तो यूएसए के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट चला है ना, शुरू में जो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो रिफॉर्म मूवमेंट चला, उसी के तहत साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप हुई। किसने लीड करी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच? मेनली फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। उसके बाद में बहुत सारी बुक्स आने लगी, आप इवोल्यूशन वाला अगर आपने टॉपिक देखा है तो। बट हुआ ये कि यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी, ऑल्दो सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, मतलब रिफॉर्म को फॉलो करते हुए कुछ नए प्रिंसिपल्स बताने की कोशिश करी, और ये तक भी कहा गया कि हम जो ये प्रिंसिपल बता रहे हैं ये न केवल यूएसए या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, बट ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्या होता है? जिसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो अप्रोच है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड पर डेवलप करी गई थी, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही नया फील्ड था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहती क्या है? सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने का। जब आप कोई ऑफिस बनाते हो, कोई भी मिनिस्ट्री का अगर डिजाइन करना है, ये डिजाइन का एक रैशनल तरीका होता है, इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और इस यूनिट में मेनली इन्हीं चीजों के ऊपर बात करी गई है। ओके okay? तो ये ध्यान रहेगा कि ये है क्या, फर्स्ट चीज क्यों डेवलप हुई, और इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है उनके बारे में। सो लेट्स फोकस ऑन द इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। अब टाइम लगेगा देखो इन थ्योरीज को पढ़ने में, नो डाउट, बिकॉज एक एक थिंकर को पढ़ने में एक दिन में कवर कर लो ना तो बहुत बढ़िया बात है। डिटेल में पढ़ो इनको, तो फिर आपको इसको ना इस तरीके से मत पढ़ना कि एक बार पढ़ लिया एंड फिर बाद, एक बार तो सुपरफिशियली सा ऊपर ऊपर से देख लिया और बाद में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ये गलती मत करना। अगर एक बार पढ़ रहे हो ना तो फिर उसको डिटेल में पढ़ना। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच फॉर्म द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या था? मेनली फिजिकल टास्क, काम कैसे करना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस था। फिर इस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का किसके ऊपर था? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बना? डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। आंसर करवाओगे अच्छे से? गुड। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किस पे फोकस करती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द फिजिकल टास्क, वेयर एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फोकस ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंगली व्हाइल द बेसिक टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज द टाइम एंड मोशन स्टडी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या फोकस किया गया था? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम एक बेस्ट तरीका ढूंढ सकते हैं, बट टाइम एंड मोशन की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में टाइम एंड मोशन की नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का यूज किया गया था। द जनरल प्रॉब्लम एड्रेस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क नेसेसरी टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुपिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस टास्क इन सच अ वे दैट वन मैक्सिमाइजेस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या कहती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है इसका फोकस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टास्क नेसेसरी टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड ग्रुपिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज टास्क। मतलब कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कौन से टास्क पूरे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने और हमने मिलकर के एक मान लो कॉलेज बना दिया, एक स्कूल हमने एस्टेब्लिश कर लिया।
अब हमें पता है कि हमें एजुकेशन देनी है वहां पे, टास्क हमारा ठीक है, बट इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से काम करने पड़े, उनको आइडेंटिफाई करना ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच का मेन फोकस है। और ये इस तरीके से ढूंढना, ये टास्क को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना कि इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ती रहे। इन्होंने जो थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करी गई उसको मैंने आपको बोला था यूनिवर्सल थ्योरी उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा कि हम इसको साइंस के तौर पर एस्टेब्लिश करेंगे, जैसे साइंस होती है ना, हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, या यूनिवर्सल है साइंस। कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा कि डज नॉट मैटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलर उनकी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। देयर एनालिसिस वॉज ऑफ कोर्स नॉट एज सिस्टमेटिक एज दैट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने कुछ एप्लीकेशन ड्राइव करने की कोशिश करी थी फ्रॉम प्री ऑर्डेंट जनरल प्रिंसिपल। और उन्होंने क्या करा कि जो क्लासिकल मॉडल है बेसिकली ये बहुत सारे कन्वेंशन, बहुत सारे चीजों के ऊपर बेस्ड है। इट्स नॉट लाइक उन्होंने बिल्कुल नई स्टडी करी और उसी के बेसिस पे उन्होंने सब कुछ दे दिया, नहीं, जो उन्होंने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने नई थ्योरी दी। तो रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस, एडहेरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन करी जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी सिस्टम। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह इन्होंने कुछ नया नहीं प्रेजेंट किया, ये वही चीज फॉलो करते आ रहे थे जो पहले से चल रही थी। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करो, आप पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेट अलग करो, आप यहाँ पे पब्लिक सर्विस लेकर के आओ, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के टाइम पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ पॉलिटिकल जो है न्यूट्रलिटी हो और सिविल सर्विस अनोनिमिटी बनी रहे। तो ये सारी चीजें उन्होंने फोकस करी, इसलिए यहाँ पे साइड में क्वेश्चन लिख लेना डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, और ये आंसर लिखने की कोशिश। Efficiency was privileged at the beginning of a field as progressive era reforms sought to systematize and rationalize the administration of public business. अब ये क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये कहा गया कि आपका जो ये एफिशियंसी वाला कॉन्सेप्ट है, एफिशियंसी मीन्स कि जितना भी हम इनपुट डाल रहे हैं उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिले, वेस्टेज बहुत कम हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो और एक आउटकम आउटपुट हमारी सही हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रैशनलाइज करने की कोशिश करी कि जो एक्टिविटीज हम करें, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि कौन सी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे हम फिर फर्दर एफिशिएंट वे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहां पर जिक्र आया था इसका, एफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पैरेटो ने दी थी, एंड वेल राउंडेड अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किसने दी, क्रिस्टोफर ग्रैनी ने। ये इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इस लेवल पे थोड़ी सी आगे पढ़ोगे तो वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन साइंस प्राइवेट हो पब्लिक हो डज नॉट मैटर, कॉमन गोल क्या है, प्रायोरिटी क्या है, एफिशिएंसी। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के सर्च में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के स्कॉलर्स ने ये बिलीव कर लिया कि एफिशिएंसी जो है वो हमारा कॉमन गोल है, इट इज नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 1920s और 1930s के टाइम पे सबसे बेसिक क्या था, सबसे बेसिक था कि हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे में यूज करना है। नाउ व्हाट इज द एफिशिएंट वे ऑफ यूज, सीधी सी बात है, जितना इनपुट डाल रहे हो उतना ही आउटपुट आना चाहिए, और इनपुट कौन से डायरेक्शन में आप लगा रहे हो वो चीज भी मैटर करती है। अब यहाँ पे एक टर्म हमारे सामने आ रही है, दैट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ओके। तो ये चलिए आपका होमवर्क मान लीजिए कि दो टर्म आती है, पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। आपने शायद अपने आसपास ये चीजें देखी भी होंगी कि हम रैशनल बात करते हैं, हम तो बहुत ही रैशनल है। नाउ रैशनल होने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक टास्क और अपना ऐड कर लीजिए कि रैशनैलिटी के मायने क्या होते हैं। और ये ना ऐसे रेंडमली नहीं है, आप अब कभी भी इन वीडियोज को देखें, हमेशा अगर आप पबैड के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ऑलवेज फोकस ऑन द टर्म्स, तो फोकस ऑन रैशनैलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी। आजकल हम भी बहुत सुनते हैं सोशल मीडिया के टाइम पे कि आपके जो ओपिनियन है वो रैशनल हो, तो रैशनल होने का मतलब क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, व्हाट इज पॉजिटिविज्म एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म, किस आने वाले थिंकर्स है उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म अप्रोच को यूज किया है अपनी थ्योरी डेवलप करने के, ये देख लेना एक बार। देन ये पूरी अप्रोच जो है वो इवॉल्व हुई अबाउट व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके ये साइंस है या आर्ट है, जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आई थी।
इन्होंने कहा कि क्या हम ऐसे प्रिंसिपल्स मान सकते हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जिनकी क्या हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इवेंट को क्या हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं। और कुछ स्कॉलर्स ने क्या कहा कि यस, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग। ओके, कोई भी समय हो, कोई भी स्पेस, स्पेस इन द सेंस कोई भी जगह हो, नेचर चाहे वो फिर बेसिकली नेचर ऑफ गवर्नमेंट मीन्स डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, किस प्रकार की डिक्टेटरशिप है, कि क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो नेचर ऑफ गवर्नमेंट के अलावा अगर आप सिर्फ कॉबैट पे फोकस करते हो, तो योर फर्स्ट गोल इज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। और इस चीज को सपोर्ट करते हुए थिंकर हुए हैं डेनहार्ट एंड डेनहार्ट। डेनहार्ट ने फोकस किया कि बेसिक जो इंटरेस्ट है मैनेजमेंट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओ, जो बेसिक इंटरेस्ट है सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेम ही मिलेंगे। देयरफॉर वी शुड एक्सपेक्ट दैट लेसन्स लर्न इन वन सेक्टर कुड बी इजिली कम्युनिकेटेड टू अदर, और दैट द लेसन लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू जनरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आप ध्यान रखना कि हमने मान लो प्राइवेट सेक्टर में सीखा, उसको हम क्या गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं? शुरू शुरू में ये प्रेवलेंट था कि यस वी कैन अप्लाई, और ये जो मॉडल डेवलप हुआ इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया वेस्टर्न कंट्रीज में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? सीधी सी बात है, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है उसके लिए जरूरी थे, क्योंकि अगर आपको एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी लानी है तो जिस तरीके से हम काम करें वो तरीका आपको बदलना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग मेथड से आप एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी नहीं ला सकते। इसके ये दो ऑब्जेक्टिव थे, जो दो ऑब्जेक्टिव थे इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थिंकर्स रहे, जो थ्योरिस्ट थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी को बढ़ाने पर ही फोकस किया। आई होप यहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गई होगी, कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। सबसे पहला कि ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है वो है क्या, क्यों डेवलप हुई, व्हाई, एंड थर्ड थिंग आपको पता चल गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर्सेस साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या फर्क है। फिर देखते हैं कि किन किन ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो इंपॉर्टेंट थिंकर्स गुलिक, ओरविक, फायोल, फॉलेट, ये सब लोग आ जाते हैं। इस अप्रोच को स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पर कंप्लीटली स्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है, प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग नहीं माना गया। और इस स्कूल ऑफ थॉट को हम ये कह सकते हैं कि इनके हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना फॉर्मल स्ट्रक्चर के नहीं चल सकता। फॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर काम करने का तरीका, वहां का ऑफिस स्ट्रक्चर कुछ होता है ना, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो। वहां पे क्लियर कट स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, मतलब डिवीजन ऑफ फंक्शंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मेंशन हो, पावर का सही बंटवारा हो, तभी जा करके आप सही से काम कर पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाता है, मेनली वो इस चीज को आंसर करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव विल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिटरमाइन, रेगुलेट, मोल्ड्स द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल। इसको समझो, हमारी कुछ नीड्स हैं, हम उस नीड्स को पूरा करने के एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी चीजें होती है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीके हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर फोकस किस पे हो रहा है, स्ट्रक्चर पे फोकस हो रहा है, कैसे बनाई जानी चाहिए। ये जो अप्रोच है ये सोशल साइंस में काफी मतलब प्रिवलेंट भी हुई, सोशल साइंस इन द सेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये माना गया कि अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखना, दिस अप्रोच एज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सोशल साइंस एनसाइक्लोपीडिया टेक्स अ डिटरमाइनिस्टिक व्यू ऑफ सोशल एक्शन सिंस द अंडरलाइंग अजम्पशन इज दैट इंडिविजुअल विल मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंडिपेंडेंटली ऑफ देयर ऑन वेलफेयर एंड विद थॉट ऑफ देयर रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टिव गोल एंड देयर ऑन पर्पस। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ, हम कहीं पर जॉब करने जाते हैं, हम वहां पे क्या देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक गवर्नमेंट जॉब पे तो आजकल क्या है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, आप अपने ही टारगेट को देखते हो। आप सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ क्यों भागते हो, मतलब मोस्ट ऑफ हम गवर्नमेंट की तरफ क्यों भागते हैं? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज। ये क्या हुआ, ये मेरा गोल हुआ मान लो, और जिस सेक्टर के साथ मैं जुड़ रही हूँ, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मैं जुड़ रही हूँ, तो मुझे ये गोल मिल रहा है, मुझे मेरा ये जो गोल है वो मुझे सेट, ठीक है, मेरा मैच हो रहा है। दैट मीन्स हेयर आई कैन से दैट मेरा जो इंडिविजुअल गोल है और जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या कर रहा है, वो सेम है,
है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेयर एज अगर मेरा गोल होता कि मुझे अपने जो है वो अर्निंग बढ़ानी है, अर्निंग को इंक्रीज करना है, तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर को इतना प्रॉफिट मे बी प्रेफर ना करूं, बिकॉज मेरे हिसाब से तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर मुझे मेरे स्किल के हिसाब से ज्यादा अच्छा पे कर सकता है, राइट? तो मेरे यहाँ पे नीड चेंज हुई, मेरे यहाँ पर गोल चेंज हुए, तो उस हिसाब से मेरी प्रायोरिटीज भी चेंज, मुझे सेक्टर भी वैसा ही चूज करना पड़ेगा जो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करे। ये बात है ना, कितनी सिंपल सी बात लगती है, बट ये बात उस टाइम के थिंकर को ये दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पर इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन नए नए डेवलप हो रहे थे। इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था बेसिकली उस टाइम पर, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बस लोग चाहिए थे, और लोगों को करने के लिए बस काम चाहिए था। क्यों चाहिए था उसका कोई वो नहीं था, कोई डिस्कस नहीं किया गया, और इसी की वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी। एंड दैट्स व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थिंकर्स ने कहा कि देखो फोकस करो, फोकस करो कि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैसे बना रहे हो, राइट? इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, यही बात इन्होंने कहने की कोशिश करी। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या कहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इंडिविजुअल्स आपसे कनेक्टेड हैं, वो इंडिविजुअल्स अपने जो होते हैं ना, अपने वेलफेयर पे, उस पर ध्यान नहीं देते। अगर मैं अपने वेलफेयर पे ध्यान दूंगी तो क्या होगा, मैं गवर्नमेंट का काम शायद इतने अच्छे से ना कर पाऊँ। जो लोग अपना ध्यान देते हो, आपको पता ही है करप्शन, इंडल्ज इन करप्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सेज के इंडिविजुअल्स अपने वेलफेयर में नहीं इंडल्ज होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। इस बेसिस पर ये बात पूरी कही गई है। इवन उर्विक ये कहता है, सॉरी उर्विक ये कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन अगर नहीं है, तो चीजें इलॉजिकल, क्रूअल, मीनिंगलेस एंड इनएफिशिएंट हो जाएंगी। इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं है क्यों बनाया है, क्रूअल मतलब आपको यही नहीं पता किस इंसान को किस पोजिशन पर रखना है, किस पोस्ट पर रखना है, क्रूअल है, मीनिंगलेस है बिकॉज अल्टीमेटली आप कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कर पा रहे हो, और इनएफिशिएंट बिकॉज रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, आउटपुट बहुत कम है। और बाद में जो आने वाले थिंकर्स थे उन्होंने ये कहा कि यस देर आर सम प्रिंसिपल्स जिनको हम डेवलप कर सकते हैं, जिनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, उनको हमें डेवलप करना चाहिए, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन इंडस्ट्री एंड इन आर्मी। मतलब जिन लोगों का भी मैं यहाँ पर नाम ले रही हूँ, मोस्टली उनको या तो प्राइवेट सेक्टर की नॉलेज है, और कई ऐसे हैं जिनको आर्मी का एक्सपीरियंस है। हम जब लूथर गुलिकन उर्विक के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कौन से बैकग्राउंड से आए थे और किस प्रकार की थ्योरी उन्होंने डेवलप करी। तो उम्मीद करती हूँ, मुझे टाइम तो लगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, बट इसके बाद में आपको इतना सा ये जो चार पेज है उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। इसको एक बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा, और कोशिश करें तो कमेंट, एक कमेंट प्लीज आप करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये इनिशिएटिव कैसे पसंद आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, कैसे पसंद आ रहे हैं वो नहीं, मतलब पसंद कौन से पॉइंट आपको, ये लेक्चर जो है वो आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जिनमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो उनके बारे में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनरी फायोल के बारे में, और हमारे जो बाकी थिंकर्स है गुलिकन, उर्विक और उनके बारे में। तो आई थिंक ये जो लेक्चर है ये थोड़ा टाइम लेगा, और टाइम लेकर के ही हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरी फायोल पे बात करेंगे, देन जनरल उर्विक गुलिक पे हम बात करेंगे, ठीक है? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और ये पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें 9198968597 67। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यूपीएससी की या किसी स्पेशल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बिहार पीसीएस, राजस्थान के एमबीपीएस, यूपी पीसीएस के, जो हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ऑप्शन के तौर पर लिया, ठीक है? कुछ हैं पीसीएस जो मे बी आपको ऑप्शनल का इतना प्रोवाइड ना कराए, बीपीएससी और यूपीपीएससी में तो काफी ज्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोग ऑप्ट करते हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आप यहाँ पर, आपको पेड कोर्सेज की भी फैसिलिटी है, और यहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाते हैं। फ्री कोर्सेज कहाँ पर है, यूट्यूब पे जाइए, ढेर सारी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, बुक से लेकर के इग्नू का मटीरियल, और पूरा इवन यहाँ पे कोर्स तक कम्प्लीट किया गया है। बस उसमें आपने क्या करना है, नोट्स लेने हैं, नोट्स बाय करने हैं, और फटाफट ये जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं इनको देख डालना है। और मेरे हिसाब से कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, कहीं पर आप पेड क्लासेस लेने का सोच भी रहे हो,
तो बेटर है कि पहले आप एक बार वो फ्री वाली सीरीज है गो थ्रू हो जाओ, ताकि चीजों का एक ओवरव्यू रहे कि हम हमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं इस फील्ड के अंदर। कई बार होता है ना कि हमने फी पे कर दी एंड देन वी रियलाइज कि नहीं में इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, तो आप उस चीज से बच जाओगे थोड़ा, राइट। ओके जी, सो टेक केयर, कल मिलते हैं विद हेनरी फायोल, एंड कोई भी दिक्कत है यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बाय।